वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइस आज की वीडियो टाटा स्टील पे है। जैसे कि आप देख रहे हो न्यू लेटेस्ट न्यूज है टाटा स्टील मर्जर का। मैंने पहले भी बनाई थी इस पे वीडियो, टाटा स्टील मर्जर डोंट गो बाय लेटेस्ट शेयर प्राइस, जैसे कि एमडी ने बोला है। गाइस देखिए इसमें बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब जो कॉस्ट डिडक्शन हो रहा है काफी ज्यादा कॉस्ट डिडक्शन, इतने ज्यादा लोग इतना ज्यादा होगा आप लोग देखते ही रह जाएंगे जितना कॉस्ट डिडक्शन। टाटा स्टील का जो मर्जर है अभी मैंने बताया लेटेस्ट न्यूज है, जो ये कॉस्ट कटिंग डिक्रीज है गाइस आप देख सकते हो कि जो टाटा स्टील डिसीजन टू मर्ज 7 ग्रुप कंपनीज विद इट अनाउंस फ्राइडे वाज अ कल्मिनेशन ऑफ मंथ्स ऑफ प्लानिंग एंड 24 बोर्ड टीम मीटिंग्स ऑन थर्सडे दैट रन वेल बियॉन्ड मिडनाइट, जिसमें टीवी नरेंद्र द स्टील मेकर्स मैनेजिंग डायरेक्टर ने बात बोली है। गाइस देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो रही है, मतलब कॉस्ट कटिंग डिक्रीज करके वो कहाँ से भी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और ये सब बातें उन्होंने कही है। देखिए जो न्यूज़ आई है लेटेस्ट, तो जिसके अकॉर्डिंग आप भी कह सकते हो कि मतलब लाइक साइनोफाइज एंड मतलब कॉस्ट कटिंग एंड साइनर्जीज के बारे में भी बात चल रही है। देख आप ये देख सकते हो कि आपको पता बाजार की मार्केट गिर रही है, निफ्टी की मार्केट भी हमारी डाउन दिखती है हमें, तो आप देख रहे हो 99 से 97 आ गया। देखिए 95 तक ही पहुंचेगा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, लेकिन आपको बाय कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2.55% तक का, आज में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगी कि आप मतलब उसमें इन्वेस्ट कर सोच सकते हैं कि पिछले 5 दिन में भी -8.67% तक इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो गाइस देखिए स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आप बस देखिए न्यू प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें। इससे पहले भी मैंने इस टाटा स्टील पे वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों के लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ रही हूँ, वैसे आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। तो गाइस जिस तरीके से मर्जर हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा काम मिल रहा है, तो देखिए रिवेन्यू बल्क में आने वाला है, कम से कम ये इनका रिवेन्यू 80 करोड़ तक का हो जाने वाला है। इसलिए गाइस अगर आप लंबे मतलब लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं बेझिझक, बाकी का डिपेंड आप लोगों पे करता है। थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा देन चेक करके इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।